गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलबी। आज हम स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से आपको दी जाने वाली वर्कशीट रीडिंग गैप डिजाइन एक्टिविटी शीट वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि आपकी डेट 22 जनवरी 2022 के लिए है। आप अपना नेम एंड अपने क्लास से जगह नेम लिखेंगे। ये क्लास 6, 7 एंड 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट इस वर्कशीट को करेंगे। इट्स रीडिंग टाइम। हेलो चिल्ड्रेन, रीडिंग बहुत लॉट्स ऑफ फन हमारी लाती है हमारी लाइफ में। यहाँ पे कुछ रियल लाइफ स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वी हैव ब्रॉट, यानी हम आपके लिए लाए हैं, तो इसे पढ़िए और थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा के पढ़िए और इन शॉर्ट स्टोरीज़ को इन्जॉय के साथ पढ़िए। अब और आप बताइए कि आपने इस जो स्टोरी में जो मैसेज हम देना चाहते हैं आपको, वो आपको समझ आ रही है या नहीं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए पढ़ो। यहाँ पे एक छोटी सी लड़की है, स्मॉल गर्ल, जिसका नाम है लता। लता को नॉट कंट्रोल हर एंगर, यानी लता अपना गुस्सा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती थी। शी वुड अबाउट शाउट एवरी टाइम शी वॉज एंग्री, वो हर समय गुस्सेल रहती थी एकदम। हर मदर बिकम वरीड, यानी उसकी माँ टेंशन में आ गई। शी थॉट ऑफ अ प्लान, फिर उन्होंने एक प्लान सोचा। शी गेव हर अ हैमर एंड नेल्स, फिर उन्होंने एक अपनी बेटी को यानी लता को एक हैमर दिया, एक हथौड़ा दिया और कुछ कीले दी। उन्होंने लता से कहा कि टू डॉक एज मैनी नेल्स इन द फेस एज इज पॉसिबल, यानी इस दीवार पे जितनी भी कील तुम को लगा सकती हो लगाओ। द मदर टोल्ड हर टू रिमूव दैम, फिर उसने लगा दी सारी कील जितनी, जब जब गुस्सा आया उसने तब तब उस कील को लगा दिया। फिर उसकी मदर ने एक दिन कहा कि अब जितनी भी कील तुमने लगाई है वो सारी तुम हटा दो। तो उसे निकालने में प्रॉब्लम भी हुई और फिर जब उसने निकाल ली, देर वॉज अ होल वेन लता रिमूव द रेल, जहाँ जहाँ उसने कील लगाई थी हर जगह होल हो गया निकालते वक्त। लता मदर सैड, द हार्म कॉज बाय एंगर कॉज डैमेज जस्ट लाइक द होल इन द फेंस, यानी जितना तुम्हें गुस्सा आता है वो सारा वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है तुम्हें, जैसे इसी दीवार में होल हो गए। डोंट शाउट, यानी तुम्हें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। वट यू स्पीक इन एंगर कॉज इन फॉर्म हार्म फॉर एवर स्टे काम, यानी जो भी तुम गुस्से में कहोगी वो हमेशा दूसरे को नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए हमेशा काम रहो। हार्म कॉज ड्यू टू एंगर एंड कैन नेवर बी रिपेयर, यानी जो नुकसान गुस्से की वजह से हो सकता है वो कभी भी रिपेयर नहीं करा जा सकता। यानी जो गुस्सा करके तुमने इस दीवार में जितने छेद करे, जितनी कील ठोकी और जब देन उसे आपने निकाला तो उसमें छेद छेद हो गए, तो जो भी नुकसान इस दीवार का हुआ उसे कभी भी ठीक नहीं करा जा सकता। तो यही आपको मैसेज स्टोरी कन्वे करती है। इसमें आपको बेसिकली यही क्वेश्चन था कि आपको इससे क्या मैसेज कन्वे समझ आ रहा है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको इस स्टोरी का मैसेज समझ आया एंड किस किस ने ये स्टोरी पहले सुन रखी थी, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। बाकी आपको और कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।